बाड़मेर जिले के सिवाना थाना क्षेत्र के मिठोड़ा गांव में कांग्रेस नेता ओम सिंह की हत्या के मामले को लेकर अब 40 घंटे बाद परिजनों और पुलिस के बीच वार्ता जो है सफल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ओम सिंह अपने फार्म हाउस पर सो रहे थे और उसी दरमियान मंगलवार अल सुबह अज्ञात लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद जब परिजनों और ग्रामीणों को सूचना मिली तो ग्रामीणों और परिजनों ने पादरू CHC के आगे धरना दे दिया था और लगातार प्रशासन के बीच वार्तालाप जो थी वो हो रही थी। और आज आखिर पुलिस अधीक्षक और परिजनों के बीच जो है वार्तालाप सफल हो गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने आधा दर्जन से अधिक लोगों को दस्तयाब किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस हत्याकांड के मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को जो है सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दिगत आनंद का क्या कहना है ये आप भी सुन लीजिए। ये वारदात एक हुई थी जिसमें मिठोड़ा गांव जो पुलिस थाना सिवाना के अंडर में आता है, यहाँ पे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं जिनका नाम आम सिंह था, उनका धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। प्राथमिकी दर्ज करके पोस्टमार्टम कल करा लिया गया था और पुलिस की हमने एक एडिशनल SP, 3 डिप्टी SP और करीब 10 CI के अध्यक्षता में 12 अलग अलग टीमें गठित की हैं जो विभिन्न एंगल से इस अनुसंधान को अंजाम दे रही हैं। टेक्निकल भी एक टीम हमने बनाई है जो यहाँ से समस्त एविडेंस कलेक्ट करके बाड़मेर पहुँच गई है जहाँ उनका बहुत गहनता से विश्लेषण किया जा रहा है। एक जघन्य अपराध है, चुनौतीपूर्ण अपराध है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको जल्दी क्रैक कर लिया जाएगा, ट्रेस आउट कर लिया जाएगा और मुलजिम पुलिस की पकड़ में होगा। क्या संदिग्ध कोई पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही है? करीब आधा दर्जन संदिग्ध हैं जिनको राउंड अप करके जिनसे पूछताछ की जा रही है थाने पर, और उस पूछताछ के दौर में कुछ सकारात्मक परिणाम निकलने की पूरी संभावना है। क्या ये चुनौती है कि ये क्षेत्र जो है वो अंतर्राज्यीय मार्गों से भी जुड़ता है और अपराधी इस अपराध को कारित करने के बाद अन्य राज्यों में शरण लिए हुए? बिल्कुल शांतिप्रिय गांव है, वहाँ ऐसी जघन्य घटना होना सनसनी फैलाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं मिथोड़ा के और बाड़मेर के सभी निवासियों से ये अपील करता हूँ कि विश्वास रखें, बहुत जल्दी हम इस अपराध को ट्रेस आउट कर लेंगे और ऐसी कोई पुनरावृत्ति भी नहीं होने देंगे। परिजनों से और गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ मौजूद थे मोर्चरी पे, उनसे वार्ता हुई, वार्ता सकारात्मक रही है। पोस्टमार्टम कल ही कराने की सहमति दे दी थी और जल्दी शव का भी अंतिम संस्कार कर लिया जाएगा।